खजराना का नाम बदलने के पूर्व सांसद शंकर लालवानी का नाम बदला जाए। राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव म.प्र. कांग्रेस कमेटी में जारी किया प्रेस नोट। इंदौर, राजनीति चमकाने के लिए नाम बदलो की राजनीति करने वालों की बहती गंगा में सांसद शंकर लालवानी ने भी डुबकी लगाकर दावा ठोक दिया है कि खजराना का नाम बदलने के लिए जनता मौन करने आई थी। यह भी गजब है कि भूखमरी, बेरोजगारी, कोरोना से मरती जनता अब मोहल्लों का नाम बदलने के लिए सांसद पर दबाव बना रही है। बेचारे सांसद भी भाव विभोर होकर बिना इतिहास जाने नाम बदलने की बयानबाजी के अखाड़े में कूद गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि बहुत दिनों से मतदाताओं द्वारा मांग की जा रही है कि इंदौर के सांसद का नाम बदला जाए। कोरोना, बेरोजगारी एवं जबरदस्त कालाबाजारी सहने के बाद भी मतदाताओं सारी तकलीफें भुलाकर सांसद का नाम बदलना चाहते हैं। इंदौर के सांसद का नाम शंकर लालवानी है, जो कि एक ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतीक होता है, जबकि इंदौर के सांसद को सभी धर्मों के मतदाताओं ने वोट दिए हैं। अब सभी धर्म के मतदाताओं की मांग है कि सांसद शंकर लालवानी का नया नाम सांसद शंकर लियाकत बदरुद्दीन जसपाल रॉबर्ट लालवानी रखा जाए, जिससे इंदौर के सांसद का नाम सारे विश्व में प्रसिद्ध हो सके एवं धार्मिक एवं सांप्रदायिक एकता की नई मिसाल कायम हो सके। इस संदर्भ में माननीय पीएम एवं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन भी किया जाएगा कि इंदौर के सांसद का नया नामकरण करके विश्व कीर्तिमान बनना चाहिए। इंदौर के मतदाताओं की मांग का सम्मान करते हुए यह मांग स्वीकार्य की जाना चाहिए। राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव म.प्र. कांग्रेस कमेटी भोपाल। एक बयान आया है जी, जो खजराना गणेश मंदिर का नाम बदल के गणेश रखना चाह रहे हैं, तो क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है देश में जहाँ एक तरफ कोरोना से लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी जो काम कर रहे थे कोरोना काल में उनको शिवराज जी ने निकाल दिया नौकरी से, उन पर भी लाठियां बरसाई जा रही है, ऐसे समय में नाम बदलने की राजनीति में बयानबाजी करना एक राजनीति चमकाने का सबसे अच्छा जरिया भारतीय जनता पार्टी में है। निश्चित तौर पर खजराना का इतिहास हमारे माननीय सांसद ने शायद पढ़ा नहीं, उसके बिना पढ़े ही उन्होंने बयान दे दिया है, लेकिन कुछ लोग पिछले एक माह से कई मतदाता मेरे पास भी आ रहे हैं, उनकी ये मांग है कि हमारे इंदौर के सांसद जिनको सभी धर्मों ने वोट दिए हैं, हिंदू ने दिए हैं, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने, पर उनका जो नाम है शंकर लालवानी जी, वो एक ही धर्म का प्रतीक उनको महसूस होता है, तो उन्होंने भी मांग की है कि हमारे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी का नाम बदला जाए और उनका नया नाम शंकर लियाकत बदरुद्दीन जसपाल रावत लालवानी रखा जाए, ताकि सभी धर्मों का संभाव रहे। वो हमारे माननीय सांसद हैं, इस नाम की सिफारिश मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी की है, और नाम बदला जाए और उनका नया नाम शंकर लियाकत बदरुद्दीन जसपाल रावत लालवानी रखा जाए, ताकि सभी धर्मों का संभाव रहे। वो हमारे माननीय सांसद हैं, इस नाम की सिफारिश मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि लगे हाथ सब नाम आप बदल रहे हो तो इंदौर में भी हमारे सांसद को नया नाम मिल जाए और इंदौर की जनता प्रसन्न हो जाएगी, मतदाता प्रसन्न हो जाएंगे, सर्वधर्म सब भाव सबको साथ लेके चलने की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे मोहर लग जाएगी, तो बहुत जल्द हमारे सांसद का नया नाम आना चाहिए।